जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं धीरेन्द्र आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं और इस कैलेंडर में आज हमारी जो क्लास होगी इसमें हमारा टॉपिक है जन्मदिवस से संबंधित प्रश्न। ठीक है, देखो इसके कुछ नियम होते हैं। कुछ ऐसे नियम की बात कर लें तो नियम क्या क्या होंगे इस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। और नियम अगर आप समझ जाओगे तो किसी भी क्वेश्चन का अगर नियम समझते हैं आप तो उस नियम से हम उस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उसको आसानी से बना सकते हैं। तो पहले आज हम बात करते हैं कि इसके जो नियम हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम नियम को बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्वेश्चन जो दिख रहा है पहला, वो क्वेश्चन क्या है, सोहन आरिफ से 323 दिन बड़ा है और यदि सोहन का जन्म गुरुवार को हुआ हो तो बताइए कि आरिफ का जन्म किस दिन को हुआ था। ऑप्शन दे रखे हैं चार, बुधवार, गुरुवार, सोमवार, शुक्रवार। ठीक है, अब देखो इसका जो नियम है उसमें हमको ये जानना पड़ेगा कि जो बड़ा है उसमें क्या करना पड़ेगा, जो छोटा व्यक्ति है उसमें क्या करना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं इसका कुछ नियम वो क्या है, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखो सभी लोग, देखिए यहाँ पे बड़े और छोटे की बात की गई है तो याद रखो कि जो व्यक्ति बड़ा होगा, या हम दो व्यक्ति को लेते हैं, एक व्यक्ति बड़ा मान लेते हैं और एक व्यक्ति मान लेते हैं कि छोटा है। ठीक है, अभी याद रखो कि अगर मान लीजिए ये छोटे क्या है, आप हैं, ये छोटे आप हैं। ठीक है, ये कौन है, ये आप यानी मैं। तो इस कंडीशन में जो व्यक्ति बड़ा होगा यानी ये आपका बड़ा भाई है, ये आपका क्या है, बड़ा भाई है, तो ये आप हैं। तो हमको ये आप ये बता दीजिए कि जो आपके बड़े भैया हैं उनका जन्म आपसे पहले हुआ होगा या आपसे बाद में हुआ होगा। तो बिल्कुल आप सभी लोग को पता है कि जो आपके बड़े भाई हैं उनका जन्म पहले हुआ होगा, आपसे पहले हुआ है। ठीक है, कब हुआ है, आपसे पहले। और अगर हम आपकी बात कर लें तो आपका जन्म जो होगा आपके बड़े भाई से क्या होगा, बाद में होगा। ठीक है, बाद में होगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे करना क्या है, अगर मान लीजिए जो व्यक्ति आपसे बड़ा है, जो व्यक्ति आपसे पहले जन्म हुआ है उसका मतलब वो बड़ा है और बड़ा होगा तो वहाँ पे इसका मतलब अगर आज हम मान लें, आज की डेट क्या है, आज की डेट मान लें, आज की डेट जो भी हम मान लेते हैं कि आज क्या है, 26 नवंबर है। ठीक है, 26 नवंबर है और ये मान लेते हैं कि ये आपका जन्मदिवस है, आप मतलब आप छोटे हैं, और आपके बड़े भाई की बात करें तो बड़े भाई का जन्म आपसे पहले हुआ होगा यानी जब हुआ होगा आपसे पहले हुआ होगा, यानी मान लेते हैं कि आपका जन्म कब हुआ, 2008 में। ठीक है, तो आपसे पहले क्या हुआ होगा, उनका जन्म हुआ होगा। तो इसका मतलब अगर आज से हम पहले अगर पीछे हम जाएँ तो क्या करना है, बताओ क्या करना पड़ेगा हमको, प्लस या माइनस करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, यानी अगर हमको पीछे जाना पड़ेगा डेट में तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, लेकिन अगर हम आपके बड़े भाई से अगर बात करें कि आपका जन्म जो होगा, क्योंकि जो बड़ा भाई आपसे बड़ा है और आपसे क्या है, छोटे हैं, तो आपका जन्म उनसे बाद हुआ होगा। तो बाद अगर हम मान लें कि आपके बड़े भाई का जन्म क्या हुआ था, जो बड़े भाइयाँ हैं आपके उनका जन्म हुआ था 28 अक्टूबर को, और 28 अक्टूबर को कब हुआ था, 2002 में हुआ था। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर हम आपके पास जाएं या आपकी डेट को निकालना हो तो क्या करेंगे बताओ, उसमें क्या करेंगे, प्लस। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर कोई भी व्यक्ति बड़ा है और छोटे से बड़े की तरफ हमको जाना है तो वहाँ क्या करेंगे, माइनस, यानी उसका जन्म आपसे पहले हुआ है तो वहाँ पे माइनस कर देंगे। और अगर वही व्यक्ति छोटा है और छोटे को निकालना, छोटे से यानी बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो हमको वहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, यानी जो व्यक्ति छोटा होगा उसका जन्म आपसे बाद हुआ होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें और कुछ नहीं है, बस इसको देखते ही आप तुरंत सॉल्व कर ले जाओगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो पहले ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि सोहन, जो सोहन है, सोहन आरिफ से 323 दिन बड़ा है। कौन बड़ा है बताओ, सोहन किससे, आरिफ से। तो बड़ा कौन है बताओ, सोहन। सोहन किससे बड़ा है बताओ, सोहन बड़ा है आरिफ से। और कितना बड़ा है, बड़ा कितना है बताइए, बड़ा है कितना, 323 दिन। कौन बड़ा है, सोहन। इसका मतलब सोहन अगर बड़ा है तो सोहन का जन्म क्या हुआ होगा पहले, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस। और आरिफ का जन्म क्या हुआ होगा, बाद में हुआ होगा, तो बाद में क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि सोहन जो है आरिफ से 323 दिन बड़ा है यदि सोहन का जन्म गुरुवार को हुआ हो। सोहन का जन्म आपको पता है कि सोहन का जन्म किस दिन हुआ है, गुरुवार को हुआ है। ठीक है, कब हुआ है, गुरुवार को हुआ है, तो बताइए
तो बताइए आरिफ का जन्म किस दिन हुआ होगा? तो आपसे पूछ रहा है आरिफ का जन्म। अब यहाँ से हम अगर शेषफल निकाल लें, क्योंकि हमको सोहन से पूछ रहा है आरिफ का, तो सोहन को दिया है तो अभी हम बात कर चुके हैं कि अगर बाद वाले का जन्मदिन या निकालना है तो क्या करेंगे बताओ, प्लस करेंगे किसमें, गुरुवार में। आप प्लस क्या करेंगे? तो यहाँ पे कह रहा है 323 दिन बड़ा है, यहाँ पे हम अगर शेषफल निकाल लें इसको 7 से डिवाइड करके, तो शेषफल क्या आएगा? अब 7 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे दिन कितने होते हैं? 7। तो 7 से जो अधिक दिन आएगा उसमें हम जब यहाँ पे गुरुवार में क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि बाद में निकालना है हमको, ऐड कर देंगे तो उस कंडीशन में आरिफ का जन्मदिन आ जाएगा। अब देखो 323 में 7 से डिवाइड कर दोगे तो शेषफल कितना आएगा? 7 चौक 28, बचा कितना, 4, हो गया 43, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, कितना हो जाएगा, शेषफल आएगा 1। तो शेषफल यहाँ पे 1 आया, तो 1 हमको निकालना किसका है, आरिफ का, पता किसका है, सोहन का। तो आरिफ क्या है, सोहन की बाद में उनका जन्म हुआ है, तो बाद के लिए प्लस करते हैं, इसका मतलब गुरुवार में +1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, शुक्रवार। क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। तो आप सभी को ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक टाइप में दो व्यक्ति हो सकते हैं, दूसरे टाइप में दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन कैसे उसको सॉल्व करेंगे, इसी बेस से उसको हम सॉल्व आराम से कर सकते हैं। तो सभी लोग नोट कर लीजिए, और अगर ना समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट में करिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि हाँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि महेश सुरेश से 201 दिन छोटा है तथा सुरेश रवि। अब देखो यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, तो भी जो पीछे क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे वो सिर्फ 2 व्यक्ति वाला था, अब 3 व्यक्ति सॉल्व कैसे करेंगे? तो ध्यान दो, पहले महेश जो हैं वो क्या है, सुरेश से छोटे हैं, तो महेश सुरेश से 201 दिन क्या है, छोटा। तो कौन छोटा है, महेश, इसका मतलब बड़ा कौन है, सुरेश। सुरेश क्या है, बड़े हैं। महेश सुरेश से क्या है, बड़ा है, सॉरी, महेश सुरेश से क्या है, 201 दिन क्या है, छोटा। तो बड़ा कौन हुआ बताओ, बड़ा हुआ कौन इसमें, सुरेश, ठीक है। इसका मतलब सुरेश जो है वो क्या है, महेश से बड़े हैं। या ये कह लो, या ये कह लो कि सुरेश जो है, महेश जो है सुरेश से 201 दिन छोटा है, ठीक है। तो महेश जो है क्या है, सुरेश से क्या है, छोटे हैं, कितना, 101 दिन, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सुरेश रवि से 179 दिन छोटा है। अब सुरेश छोटा है किससे, रवि से, ठीक है। सुरेश छोटा है किससे, रवि से। तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा कौन हो रहा है इसमें, रवि बड़ा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रवि को देखते हैं, सुरेश रवि से क्या है, छोटा, इसका मतलब रवि सुरेश से भी बड़ा है। कितना बड़ा है, कितना छोटा है बताइए, देखो यहाँ पे 179 दिन। देखो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि सुरेश रवि से क्या है, 179 दिन छोटा है, या तो ये कह दो कि रवि सुरेश से क्या है, बड़ा, कितना बड़ा है, 179 दिन बड़ा है, दोनों बात एक ही है। अब हमको ये मालूम पड़ गया, देखो ये क्या है, बड़ा, अगर ये बड़ा है तो छोटा कौन होगा, सुरेश, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, अगर हम दो की तुलना कर लें, दो की तुलना मतलब रवि और सुरेश की, लेकिन अगर सुरेश और महेश की तुलना करेंगे तो उस कंडीशन में सुरेश बड़े हैं किससे, महेश से, ठीक है। तो पहले हम दो लोग की तुलना कर लेते हैं, क्योंकि दो क्वेश्चन जो हम कराए पीछे वाला वो ऐसे ही था, दो व्यक्ति वाला था। तो रवि और सुरेश की बात कर लें तो सुरेश क्या है, छोटा, और रवि क्या है, बड़ा। इसका मतलब इसका जन्म क्या होगा, बाद में। इसका मतलब यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब देखो दिया किसका, यदि महेश का जन्म, महेश का जन्म शनिवार को, चलो कोई दिक्कत नहीं, महेश का जन्म दिया है तो महेश को निकालते हैं पहले। महेश का जन्म कब हुआ है बताओ, शनिवार हुआ है, शनिवार, ठीक है। तो पूछ रहा है कि रवि और सुरेश का जन्म कब हुआ, इनका पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर महेश का दिया है तो आप यहाँ से क्या करिए, यहाँ पे महेश और सुरेश की तुलना पहले कर लो, क्योंकि जो महेश हैं वो सुरेश से क्या है, छोटे हैं, कितना, 201 दिन। तो यहाँ पे क्या होगा, बड़ा कौन होगा, सुरेश से, महेश से बड़ा कौन है बताओ, सुरेश। तो सुरेश क्या है, बड़े हैं, किससे बड़े हैं, महेश से। महेश क्या है बताओ, छोटा, किससे, सुरेश से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले कितना बड़ा है बताओ सुरेश महेश से, तो 201 दिन। विषम दिन क्या आएगा यहाँ पे, 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, कितना बचा, 6, हो गया 61। अब 61 है तो कितना होगा, 7 8 56, 56 से यहाँ पे कितना आ जाएगा, शेषफल 5। अब निकालना किसका, सुरेश का, बड़ा है तो क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे बड़ा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये इसका क्या है, छोटा, छोटा में क्या करते हैं प्लस, और बड़े में क्या करते हैं माइनस, माइनस कहाँ पे, शनिवार में।
शनिवार में 5 माइनस कर दोगे तो बताओ क्या आएगा। 5 दिन जब पीछे आओगे तो क्या आ जाएगा, एक शुक्रवार, फिर बृहस्पतिवार, बुधवार, फिर क्या आएगा मंगलवार, फिर क्या आएगा सोमवार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। ठीक है, तो हमको मालूम पड़ गया यहाँ पे कि सुरेश का जन्म कब हुआ है, सोमवार। और देखो ऑप्शन में क्या है, दो ऑप्शन है सोमवार वाले, इसका मतलब सी और डी क्या होगा, नहीं होगा। बचे कितने, दो ऑप्शन। अब सुरेश का जन्म पता है कि हमको सोमवार क्यों है, अब हम रवि, इनका रवि का जन्म निकाल सकते हैं कैसे। अब सुरेश और रवि की तुलना कर दोगे तो इस कंडीशन में सुरेश क्या है, छोटे हैं, है ना। सुरेश क्या है, छोटे हैं, छोटे किससे हैं, रवि से। तो रवि क्या है, बड़ा। तो रवि को निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस। ठीक है, अब छोटा कितना है बताओ सुरेश रवि से, 179 दिन। 179 में डिवाइड कर दोगे 7 से, शेषफल कितना आएगा, 7 दूनी 14 कितना बचा, 3 हो गया 39, 7 पच्चीस 35, शेषफल कितना आएगा 4। यानी 4 क्या करेंगे, माइनस, कहाँ पे, सोमवार में। सोमवार में 4 माइनस कर दोगे, बताओ दिन क्या आएगा, मंगलवार, हाँ सॉरी क्या आएगा, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार। इसका मतलब ये है कि रवि का जो जन्म है वो कब हुआ है, बृहस्पतिवार को। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, रवि और सुरेश का क्या आ जाएगा, सोमवार और बृहस्पतिवार। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोग का ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है उन लोग की तैयारी अच्छी है, उनको समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ इस टाइप में, आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं आलोक, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में नहीं आया है तो आपको इसको 2 बार रिवाइज करिए, और अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप बुक से इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं आपको कमेंट के हिसाब से प्रतिक्रिया दे दूंगा। और अगर नहीं हो रहा है तो इस पर एक दो वीडियो और बना दूंगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ से हमारा शुरू होता है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है यहाँ से। इसको हम कहते हैं भूलने पर आधारित प्रश्न, भूलने पर क्या होगा, भूलने पर आधारित, भूलने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे देखो एक व्यक्ति भूला जाएगा, यानी दोनों क्या होंगे, दोनों भूल गए होंगे, और आपको निकालना होगा कि उसका रियल जो जन्मदिन है वो कब है। यहाँ पे कह रहा है आलोक को याद है कि उमा का जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद है, कब है, 19 अप्रैल के बाद, लेकिन 19 को नहीं है, 19 को बाद है। ठीक है, लेकिन 22 अप्रैल के पहले है, तो यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन 19 के बाद है, यहाँ पे क्या है, 22 के पहले। अब इसके बीच में डेट क्या आएगी, 20 यहाँ पे आएगा, और क्या आएगा, 21 आएगी। लेकिन कह रहा है कि लेकिन उसकी माँ को याद है कि उमा का जन्मदिन 20 अप्रैल के बाद है, कब है, 20 अप्रैल को भी नहीं है, 20 अप्रैल के बाद है, लेकिन 24 अप्रैल के पहले है, कब, 24 अप्रैल के पहले। अब इसके बीच में डेट क्या आएगी, तो 21 आएगा, क्या आएगा, 22 आएगा, और क्या आएगा, 23। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, ध्यान समझो। पहले यहाँ पे क्या है, 19 के बाद, इसका मतलब 19 को होगा, नहीं होगा, 22 को, 22 के पहले क्या 22 को होगा, नहीं, 20 के बाद क्या 20 को होगा, नहीं, 24 के पहले है क्या 24 को होगा, नहीं। अब यहाँ पे दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा, कॉमन डेट जो भी होगी, क्या 20 कॉमन है, नहीं, क्या 23 कॉमन है, नहीं, क्या 22 कॉमन है, नहीं, तो कॉमन क्या है बताओ, कॉमन है 21। तो याद रखिए कि जिसमें दोनों में कॉमन डेट ये होगी वही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब उमा का जन्म कब है, 21 अप्रैल को, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो भूलने वाला जो क्वेश्चन देखने में बहुत खतरनाक होता है, लेकिन है कुछ नहीं, अगर आपको क्लियर है तो बिल्कुल कुछ यहाँ पे है नहीं, दोनों में जो कॉमन डेट होगी वही हमारा क्या होगा, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, यदि विजय को याद है कि उसके पुत्र का जन्मदिन 25 और 30 जनवरी के बीच में है, कब है बताओ, 25 और 30 जनवरी के बीच में, तो डेट क्या है के बीच में, 26 आएगी, 27 आएगी, 28 आएगी और 29 आएगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जबकि उसकी पत्नी सुधा को याद है कि उसका जन्मदिन 22 और 22 जनवरी और 27 जनवरी के बीच में है, कब है, 22 और 27 के बीच में है, तो क्या आएगा बताओ, 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा और 26 आएगा, लेकिन इसके बीच में है। ठीक है, इनके बीच में है तो आपको रियल निकालना पड़ेगा कि रियल कब है, यानी 25 को भी नहीं है, 30 को भी नहीं है, 22 को भी नहीं है और 27 को भी नहीं है। तो अब ध्यान दो, पहले दोनों में कॉमन क्या है, क्या दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है, हाँ क्या मिल रहा है, 26 मिल रहा है, यानी 26 कॉमन है, तो बताइए उसका रियल डे, रियल जो बर्थडे होगा उसका कब है, 26 जनवरी को, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये दो टॉपिक के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे।
लेकिन वीडियो हमारी लंबी ना हो इसलिए हम यहीं पर रोकते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक का जो क्वेश्चन बच रहे हैं कैलेंडर में मैं कल मिलूंगा। और इसके पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर बिल्कुल करिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।